वही बेचारे शाहरुख खान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप रही हैं, बल्कि अब नौबत ये आ गई है कि शाहरुख अपने डूबते करियर के लिए खुद फिल्मों की जुगाड़ करने के लिए निकल चुके हैं। और अगर बात शाहरुख की बन जाती है तो जनाब वो फिर से धूम मचा सकते हैं। क्या है पूरा मासरा, आइए देखते हैं। पहले दिलवाले, फिर फैन, फिर रईस और फिर जब हैरी मर्सिडीज़। इन फिल्मों का हाल देखकर लगता ही नहीं कि वही शाहरुख खान है जो अपने दम पर एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में ले चुके हैं, खुद को बॉलीवुड का बादशाह बना चुके हैं। जी हाँ, एक टाइम था जब शाहरुख की फिल्मों को पब्लिक हाथों हाथ लेती थी, फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करती थी। फिलहाल किंग खान फिल्म जीरो की शूटिंग कर रहे हैं। खबर ये भी है कि वो डॉन 3 की शूटिंग भी जल्द शुरू कर सकते हैं। शाहरुख बस ये चाहते हैं कि जैसे तैसे उनका करियर फिर से ऑन ट्रैक आ जाए। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो अपनी फिल्मों के ऐसे हाल से शाहरुख भी बहुत परेशान है, बल्कि नौबत तो ये तक आ पहुंची है कि शाहरुख खुद बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स के पास जाकर अपने डूबते करियर को बचाने के लिए मदद मांग रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान ने पुराने दोस्त आदित्य चोपड़ा से बार बार इंसिस्ट किया था कि वो उन्हें धूम 4 में कास्ट करें, और लगता है अब बात बन गई है। शाहरुख खान को आदित्य चोपड़ा का साथ मिल गया है। जी हाँ, शाहरुख खान ने एक बार फिर यश राज फिल्म के साथ काम करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने आदित्य चोपड़ा की अगली फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि शाहरुख इस फिल्म को लेकर सारी जानकारी का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा कई तरह की है। कहा जा रहा है कि धूम का चौथा भाग हो सकता है, क्योंकि एक समय आदित्य चोपड़ा सभी तीनों खान्स के साथ धूम सीरीज बनाना चाहते थे। आमिर के साथ तीसरा भाग बन चुका है। यदि शाहरुख धूम 4 करते हैं तो कहा जा सकता है कि सलमान खान धूम 5 में होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा कुछ समय से एक योद्धा की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो ये फिल्म हो सकती है। यशराज शाहरुख के साथ अपना पुराना रोमांटिक फॉर्मूला ही लेकर आए। वहीं शाहरुख से जुड़े सोर्सेज का भी कहना है कि शाहरुख ने पिछले दिनों आदित्य से मुलाकात की और धूम सीरीज की फिल्म करने की इच्छा व्यक्त की। शाहरुख को एक ब्लॉकबस्टर की सख्त जरूरत है ताकि वो लोगों का मुंह बंद कर सके। धूम सीरीज की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं और शाहरुख इस सीरीज के जरिए अपने करियर को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो अगर शाहरुख को धूम 4 मिल जाती है तो शाहरुख इस उनसे फिर से धूम मचा सकते हैं, क्योंकि आदित्य के साथ शाहरुख ने कई हिट फिल्में दी हैं। इसलिए क्या पता फिर से शाहरुख और आदित्य की जोड़ी धूम मचा दे। वेल, ऐसा तभी हो पाएगा जब आदित्य शाहरुख की हेल्प करेंगे। देखते हैं शाहरुख की धूम मचाने की ख्वाहिश पूरी हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। Hi, मैं हूँ शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC 24। Hi, I'm Faisal Khan and you're watching IBC 24. Keep watching. Hi guys, this is Randeep Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24.